नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुडू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुडू पेशल बिहार वाला। दोस्तों आज मैं इजराइल के बारे में आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है कि गुड्डू भाई पोकलेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, ट्रक ट्रेलर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, इन सभी ट्रेडों का वैकेंसी इजराइल का आएगा कि नहीं आएगा। और मैकेनिकल हेल्पर का भी बहुत सारे भाइयों ने बोल रहा है कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं अभी किसी भी कंट्री में काम करने के लिए नहीं गया हूँ, तो क्या हम लोग जा सकते हैं इसराइल में। बहुत सारे भाइयों ने फ्रेशर हैं और वो इंडिया में कारपेंटर का काम किए हैं, मेसन का काम किए हैं, तो लोग पूछ रहे हैं क्या हम लोग इंटरव्यू दे के जा सकते हैं इसराइल। तो बहुत सारे भाइयों ने ऐसा कमेंट किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके दोस्तों ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। दोस्तों चलिए बिना देर किए आप सभी को मैं बताता हूँ। दोस्तों आप लोगों को मालूम है इसराइल में सबसे पहले जो वैकेंसी इसराइल का आया हुआ है वो है प्लास्टर मेसन है, और आपका प्लास्टर मेसन हो गया, कारपेंटर हो गया, स्टील फिटर हो गया और टाइल्स मेसन हो गया, इन सभी का वैकेंसी अभी इसराइल से आया हुआ है। इसराइल से सभी चार ट्रेडों का वैकेंसी अभी इंटरव्यू इसका लगातार चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों और भी बहुत सारा वैकेंसी इसराइल में 1 लाख इंडियन जाएंगे, 1 लाख इंडियन जाएंगे, तो कम से कम 10-11 लाख आदमी का इंटरव्यू होगा, तब जाके 1 लाख आदमी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत सारा अभी वैकेंसी आने वाला है जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और इसराइल में दोस्तों इसराइल में सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है। इसराइल में कम से कम आप 1.5 लाख महीने से कम नहीं कमाइएगा, यानी कि इंडियन मनी 1.5 लाख रुपए आराम से हर महीने आप लोग कमा के घर भेज सकते हैं दोस्तों। लेकिन जाने के लिए थोड़ा खर्च आपका ज़्यादा पड़ेगा, कोई ऑफिस 3 लाख ले रहा है, कोई 3.5 लाख ले रहा है, तो 4 लाख ले रहा है। एक डायनामिक्स ऑफिस है जो डायनामिक्स में इसका वैकेंसी आया हुआ है। डायनामिक्स एक समझ जाइए कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल ऑफिस है, बेहतरीन ऑफिस है। अगर आप लोग डायनामिक्स ऑफिस से जाते हैं तो आप लोग का वही एजेंट के थ्रू रहेंगे तो कम से कम 3.5 लाख से ऊपर जाएगा, और ऑफिस के थ्रू रहेंगे तो 3 लाख के अंदर आपका हो सकता है, 3.5 लाख तक, 4 लाख तक जा सकता है। इसमें बिना एजेंट का काम होगा ही नहीं, एजेंट लगेगा ही, आप लोगों को 4 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। लेकिन 4 लाख कोई आप सभी को टेंशन नहीं है, इसलिए कि 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो 4 लाख भर के जाने में कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। अगर इतना महीना नहीं मिल रहा है तब तो टेंशन है दोस्तों। दोस्तों और बहुत सारे भाई जो कमेंट किए थे कि अनदर ट्रेड का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वेट कीजिए, जैसे वैकेंसी आएगा मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगा। बाकी भी ट्रेडों का वैकेंसी आएगा, ठीक है ना, पेंटर हो गया, बहुत सारा वैकेंसी आएगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है ना, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें फोरमैन का भी वैकेंसी आएगा, आने वाले समय में फोरमैन का भी आएगा और बहुत सारा ट्रेड का वैकेंसी दोस्तों आएगा ही, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और मेडिकल मेडिकल में दोस्तों बहुत सारा भाइयों ने कमेंट किया कि 6,000 रुपये तक लग रहा है, 6,000 से लेकर 5,000-7,000 तक मेडिकल में लग रहा है। तभी मेडिकल में पैसा दोस्तों इतना तो लगना ना चाहिए, लेकिन मेडिकल में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, सभी जगह नॉर्मली मेडिकल होता है लेकिन उसको गमका बना दिया जाता है। गमका का ओनली मोहर लगता है, उसी का पैसा लगता है, जो गमका का मोहर है ना वैसी का पैसा लगता है। तो इसमें मालूम नहीं कैसे 6,000 रुपये लग रहा है, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है। तो दोस्तों इजराइल आप लोग जाइए, इजराइल में ओनली हिंदू भाई का सिलेक्शन है, आप लोग वीडियो देखें तो हिंदू भाई ही इसमें इंटरव्यू के लिए जाए। और रहा बात जो फ्रेशर हैं, आप लोग फ्रेशर हैं तो आप लोगों को काम पूरा मालूम है, यानी कि समझ जाइए 100% काम आप लोगों को मालूम है, 100% तभी आप लोग इस कंपनी इसमें इंटरव्यू के लिए जाएं। नहीं तो आप लोगों को अगर पूरा काम मालूम नहीं है तो इसमें इंटरव्यू के लिए मत जाइएगा। जो भाई गल्फ रिटर्नर होंगे कंपनी पहले उसी को लेगा, जो आउट ऑफ कंट्री काम किए होंगे तो सबसे पहले कंपनी उन्हीं को हायर करेगा, और जो फ्रेशर होंगे उनको बाद में। अगर आपको पूरा काम अच्छा से मालूम होगा तो आपको आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। एज लिमिट आप लोग को याद रहे, एज लिमिट 23 से 45 वर्ष तक चाहिए, 23 से 45 वर्ष तक चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग अच्छा से इंटरव्यू दीजिए, इसमें बहुत सारा आप इंटरव्यू जनवरी मार्च तक चलेगा इसका। और इसमें डायनामिक्स में आप लोग अपना पासपोर्ट जाके जमा कर दीजिए, अगर इस कंपनी में जाए आप लोग को इसराइल जाना है तो, ठीक है ना, आप लोग आराम से कमा सकते हैं जाके दोस्तों इसराइल में अच्छा खासा पैसा। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भाई को कंफ्यूजन हो तो जरूर हमारे पास मैसेज करें।